सांबा पुलिस ने एक पशु तस्करी के मामले को विफल किया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पशु तस्कर जो थे, ये पशु तस्करी कर रहे थे और जानकारी ये है कि ये इन मवेशियों को, इन पशुओं को लेकर घाटी की तरफ जाने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगातार पिछले कुछ समय से जम्मू पुलिस पशु तस्करों के ऊपर कार्रवाई करती हुई दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पशु तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार तस्करी के प्रयास जो है वो होते हुए दिखते हैं। कुछ प्रयास तो विफल कर दिए जाते हैं और कुछ प्रयास जो है उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये तस्कर सफल होते हैं इसलिए प्रयास करते हुए विफल दिख रहे हैं। गगवाल पुलिस ने, सांबा पुलिस ने एक पशु तस्करी के मामले को विफल किया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पशु तस्कर जो थे, ये पशु तस्करी कर रहे थे और जानकारी ये है कि ये इन मवेशियों को, इन पशुओं को लेकर घाटी की तरफ जाने वाले थे। और ज्यादातर देखा गया है कि जब भी पशु तस्करों को रोका जाए तो ये तस्कर पुलिस की टीम पर हमला करने से नहीं डरते हैं और नाके तोड़कर भाग जाते हैं। कभी वहां अटैक कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं। तो इस बार गगवाल पुलिस जो है वो कामयाब हुई है और कितने मवेशियों को मुक्त करवाया गया, क्या कुछ जानकारियां हैं ये विस्तार से हमें बताएंगे। हमारे साथ फोनलाइन पर मुकेश हैं सांबा से, हमारे सहयोगी। मुकेश जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था तस्करों द्वारा, इसकी क्या जानकारियां हैं? देखिए जी, रात के समय पुलिस ने सांबा पुलिस दरबार गगवाल थाने के अंदर टपियाल नाका है वहां पे नाका लगाया हुआ था। तो एक अखटुआ साइड से ट्रक आता है तो पुलिस ने उसको रुकाने का प्रयास किया, लेकिन उसने नाका तोड़ने भागने की कोशिश की। तो पुलिस ने उसका पीछा करते हुए कुछ दूरी पे उसको पकड़ लिया और वहां पे जो उनके तीन आदमी बीच बैठे थे, चालक था, चालक और एक और आदमी था वहां पे। अच्छा, तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। ज्यादातर होता है कि तस्कर भाग जाते हैं, इस बार पकड़ लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ी बात है सांबा पुलिस के लिए कि अच्छा काम किया इन्होंने, तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। कि अगर इनकी हम बात करें तो ये इनकी पहचान है राजक अहमद पुत्र अल्ताफ हुसैन निवासी उद्राना त्रिगाम और उसके बाद जिला किश्तवाड़ अक्यूब अली मोहम्मद हुसैन निवासी जोड़ियां तहसील आर एस पुरा, और तीसरा जो है वो है मीर सैन पुत्र शेरू अली निवासी एरबा जिला कठुआ के रूप में हुई है। नहीं तो ये मतलब यहाँ पर ही रहते थे, हमारे शहरवासी ही हैं। जी हाँ बिल्कुल। और ये कहाँ से ला रहे थे पशुओं को, पंजाब से कि यहाँ कठुआ से लेकर आ रहे हैं? इनका कोई पता नहीं चलता कि अगर कई बार कठुआ डिस्ट्रिक्ट से भी वहां पे लदे जाते हैं, पंजाब से भी लदे जाते हैं, हरियाणा से भी, अलग अलग जगह से आते हैं। अगर बात करें हम गाड़ी की तो गाड़ी देखा जाए तो वो जम्मू नंबर ही गाड़ी है जी। जो ट्रक है वो जेके नंबर जेके 03F4511। अच्छा, तो जम्मू नंबर ही गाड़ी है जी। हाँ जी हाँ। तो बहुत सारे ऐसे पुलिस ने विफल भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार ऐसे एग्जाम देते आ रहे हैं जी। और अब बात, जी हाँ, अगर बात करें तो गोवा में पहले ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर हमले किए हैं। हाँ, तो कई पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। मतलब इस बार इन्होंने हमला नहीं किया? जी हाँ बिल्कुल, भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस ने इनको दबोच लिया। अच्छा, मतलब पुलिस पहले से तैयार हो गई? जी हाँ बिल्कुल, जब से ये थाना प्रभारी आए हैं सिकंदर चौहान के, देखा जाए तो इनका कार्य बहुत अच्छा है। सहारनिक आदमी, जब भी ये जब से आए हैं तो ये लगातार ऐसे प्रयास आप किए जा रहे हैं लगातार। मतलब अगर नाका ना लगा हो तो फिर ये लोग मिलेंगे भी नहीं, ये तस्करी चलती रहती है। जी हाँ बिल्कुल, लगातार लगातार, कोई डर खौफ नहीं है, कोई कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो जी ऐसे रोज नए नए हथकंडे अपनाते हो ना जी, रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, कभी किसने कभी ऑयल टैंकर में, कभी पानी की बोतल में, आड़ में आलुओं की आड़ में, कभी पैदल, कभी कुछ कभी कुछ, लगातार चलते आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, पशु तस्करी के प्रयास को सांबा पुलिस ने विफल किया है और 15 पशुओं को, मवेशियों को मुक्त करवाया है। इसमें जैसे मुकेश जी ने बताया कि तीन पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर देखा गया है कि जब भी पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया जाता है तो उस दौरान वहां पर गाड़ी छोड़कर तस्कर जो है भाग जाते हैं, लेकिन इस बार तीन तस्करों को पकड़ा गया है और उनकी जानकारियां भी साझा की।
लेकिन ये तस्कर जो है वो बाज आ नहीं रहे। ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि बाज नहीं आ रहे हैं, तस्करियां कर रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि कोई डर खौफ इनमें है नहीं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।